हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन पलसानी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं वाइटल साइन के बारे में कि वाइटल साइन क्या होता है। गोटेड जो ये लेक्चर है वो जो कंपटीशन के बिहाफ पे भी इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि वाइटल साइन होता क्या है, वाइटल साइन होता क्या है, यहाँ पे ये एक बेसिक कंपोनेंट है जो कि अपन को असेसमेंट करने में हेल्प करता है जो फिजियोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है पेशेंट की उसको। और इनको वाइटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अपने चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्लाइटली चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं, जो भी दोस्त नोट्स बनाना चाहे वो नोट्स बना सकता है, तो अपन प्रॉपर वे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लिखता हूं। वाइटल साइन आर बेसिक कंपोनेंट, वाइटल साइंस आर बेसिक कंपोनेंट कंपोनेंट दैट हेल्प इन असिसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल, क्या फिजियोलॉजिकल, बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, वो साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ए क्लाइंट, या बोल सकते हो पेशेंट। ठीक है, वाइटल साइन क्या है? देखिए, वाइटल साइन आर ए बेसिक कंपोनेंट दैट असिसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ए पेशेंट। नेक्स्ट, एक लाइन अगर मैं ऐड करूं यहाँ पे, देखिए, दे नो वाइटल्स, वाइटल बिकॉज बिकॉज सो स्लाइटली चेंजेस चेंजेस इन दी वाइटल ऑर्गन ऑर्गन। ठीक है, इनको वाइटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं उनके अंदर स्लाइटली चेंजेस शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बात करूं कि वाइटल्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं, तो बच्चों आपको आना चाहिए कि वाइटल्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं। मैं बोलूं हार्ट, हार्ट होता है बच्चों, लंग्स, जो अपने लंग्स हैं वो भी वाइटल्स ऑर्गन है, साथ में किडनी और लीवर, लीवर भी वाइटल्स ऑर्गन है, और लास्ट अपना स्प्लेन। ठीक है, ये फाइव वाइटल्स ऑर्गन माने जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों कि यहाँ पे मैं लिखूं वाइटल साइन को, अगर मैं दूसरे नाम से जानूं तो उसे क्या बोलते हैं? कार्डिनल साइन। ठीक है, कार्डिनल साइन। अगर मैं एक नाम से और बताऊं तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए, इसको साइन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा है उसको अभी रिव्यू करते हैं। देखिए, वाइटल्स क्या होता है? वाइटल्स की मैंने डेफिनेशन बताई कि ये एक तरह से एक बेसिक कंपोनेंट है, होते हैं जो कि हेल्प करते हैं असिसमेंट के अंदर। किस प्रकार का असिसमेंट करेंगे? फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, किसी भी पेशेंट या क्लाइंट की हेल्थ के रिगार्डिंग। गॉट इट माई पॉइंट? नाउ दे नो वाइटल बिकॉज सो द स्लाइटली चेंज इन द वाइटल्स ऑर्गन। इनको वाइटल्स ही के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि बच्चों, हमारी बॉडी में जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये स्लाइटली चेंजेस शो करता है। ठीक है, और मैंने वाइटल्स ऑर्गन बताए आपको, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और स्प्लेन। ठीक है, और वाइटल साइन को दूसरे नाम से जानते हैं, कार्डिनल साइन, और साथ में एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम मैंने बताया है, साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बच्चा, लो अब बात करते हैं कि वाइटल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको वाइटल्स के कंपोनेंट बताने जा रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट आता है बच्चों बॉडी टेम्परेचर, क्या? बॉडी टेम्परेचर, या इसको अपन ओनली टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आता है पल्स, जो पल्स रेट होती है उनको चेक किया जाता है। नेक्स्ट आता है
जो रेस्पिरेशन, क्या जो रेस्पिरेशन रेट है उसको कंपोनेंट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बच्चा ब्लड प्रेशर, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर ऐड करूं कि फिफ्थ कंपोनेंट क्या है, तो पेन, बच्चा लोग पेन, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं करूं कि O2 सेचुरेशन, जो ऑक्सीजन का लेवल है बच्चा, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वाइटल साइन के मैंने कंपोनेंट आपको 6 बताए हैं, कितने 6 बताए हैं, लेकिन अलग अलग बुक में बेटा 4 भी है, 5 भी है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि 6 वाइटल्स के कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने बताया। क्या बताया, देखिए बच्चा लोग, मैंने बताया बच्चा लोग कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको वाइटल्स कंपोनेंट बोलते हैं, पल्स को बोलते हैं, रेस्पिरेशन को बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, और पेन को बोलते हैं, और O2 सेचुरेशन, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है ब्लड के अंदर, उसको भी इंक्लूड करते हैं। आपको मैंने बता दिए हैं, याद रखना इन चीजों को। नेक्स्ट बच्चा, जो मैंने आपको बताया, जो कंपोनेंट्स बताए, उनका फर्स्ट कंपोनेंट आज डिस्कस करेंगे अपन, क्या बॉडी टेम्परेचर, क्या बॉडी टेम्परेचर। अब बच्चा लोग आपके माइंड में आ रहा होगा कि बॉडी टेम्परेचर होता क्या है, तो देखिए मैं बॉडी टेम्परेचर को अगर सिंपल वे में बोलूं, डेफिनेशन की बात करें, तो क्या है, जो बैलेंस होता है बेटा, ध्यान से सुनना, जो बैलेंस होता है हीट प्रोडक्शन के अंदर और हीट लॉस के अंदर, उसको मेंटेन करने का काम बॉडी टेम्परेचर करता है। या मैं बोलूं डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, जो बॉडी के अंदर हीट है उसको मेंटेन कौन करेगा, बॉडी करती है, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो मैं फर्स्ट डेफिनेशन देने वाला हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो राइट डाउन करते रहिए। द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड द हीट लॉस, क्या हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एक डेफिनेशन क्या हो गई, द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय बॉडी एंड द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस की जाए और बॉडी के द्वारा हीट लॉस की जाए, उसको मेंटेन करे, बैलेंस करे, उसी को अपन बॉडी टेम्परेचर बोल देते हैं। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं डिग्री, क्या डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाई बॉडी, क्लियर। मैंने क्या बोला यहां पे, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाई बॉडी, कि जो बॉडी के अंदर हीट होती है उसकी डिग्री को मेंटेन भी कौन करता है, बॉडी करती है, उसी को बॉडी टेम्परेचर बोला जाता है बेटा। अगर बेटा लोग, अगर मैं इसके अंदर एक डेफिनेशन और ऐड करूं, तो आप लिख सकते हो कि बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ हीट, ठीक है। अब बच्चा आपके जो इजी वे में आप याद कर पाओ, उसको आप याद कर सकते हो। मैंने बच्चा लोग फर्स्ट डेफिनेशन में बोला कि जो बॉडी के थ्रू हीट प्रोड्यूस की जाती हो या हीट लॉस की जाती हो, और उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा बेटा, बॉडी टेम्परेचर, उसी को अपन बॉडी टेम्परेचर बोल देते हैं। बेटा लोग अपन बात करें डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, जो हीट की डिग्री होती है वो कौन मेंटेन करता है, बॉडी मेंटेन करती है, ठीक है। और साथ में बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, प्रोडक्शन के अंदर और हीट लॉस के अंदर बैलेंस करती है, बॉडी करती है, ठीक है। ये मैंने सेम थिंग बताई है, लेकिन मैंने अलग अलग वे में आपको डेफिनेशन दी है, ठीक है। बात एक ही है, हीट का प्रोडक्शन और लॉस होना बॉडी के थ्रू और उसको बैलेंस करना, ठीक है। अब कमाल की बात बताने जा रहा हूं, अब यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, तो क्लास में ध्यान दीजिए, क्या कि हीट रेगुलेशन सेंटर इन द बॉडी कौन सा होता है, तो मैं यहां पे लिखूं हीट रेगुलेशन सेंटर इन बॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चा लोग, आपका आंसर होना चाहिए हाइपोथैलेमस। यहां पे मैं बोलूं कि जो
यहाँ पे मैं दो टाइप से क्लासिफाइड करूँ, एंटीयर और पोस्टियर। ठीक है, जो एंटीयर पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का, वो क्या करता है, हेल्प करता है, यहाँ पे लिखो हेल्प इन द हीट लॉस। हीट लॉस कैसे होगी, क्योंकि बच्चा लोग यहाँ पे वासोडाइलेशन होता है, वासोडाइलेशन की वजह से हीट लॉस होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, स्वेटिंग से हीट लॉस होती है एग्जाम्पल के तौर पे, क्लियर। अगर बच्चा लोग मैं यहाँ पे ये बोलूँ जो हीट रेगुलेशन सेंटर है उसको अगर मैं दूसरे नाम से जानूँ तो दूसरा नाम क्या होगा, देखिए थर्मोरेगुलेशन, क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन के नाम से भी जान सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया बच्चा लोग, जो हीट रेगुलेशन सेंटर होता है बॉडी का, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है थर्मो रेगुलेशन सेंटर, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। ठीक है, जो एंटेरियर पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का, वो हेल्प करता है हीट लॉस में। हीट लॉस में कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे वासोडाइलेशन होगा। ठीक है, वासोडाइलेशन होगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया स्वेटिंग। ठीक है, और इसके साथ साथ अपन बात करने वाले हैं कि हीट का लॉस कैसे होता है, हीट कैसे बनती है। तो फर्स्टली कि हाउ हीट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, तो फर्स्ट यहाँ पे डाल लीजिए पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं केमिकल रेगुलेशन हीट प्रोडक्शन। क्या बोल देंगे, केमिकल रेगुलेशन हीट प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर बात करें कि ये किससे कंट्रोल होता है, तो लिखिए इट्स कंट्रोल बाय पोस्टियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये किससे कंट्रोल होता है, जो पोस्टेरी पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का उससे कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट इसमें के अंदर, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ थर्मोलाइसिस मीन्स हीट लॉस, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो फिजिकल प्रोसेस। वो क्या था बेटा, केमिकल प्रोसेस, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस ऑफ हीट लॉस। और ये कंट्रोल किससे होता है, देन कंट्रोल बाई एंटीयर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंटीरियर पार्ट है जो हाइपोथैलेमस का, वो कंट्रोल करते हैं किसको, थर्मोलाइसिस को। थर्मोजेनेसिस मींस केमिकल रेगुलेशन होता है, हीट प्रोडक्शन होती है उससे। ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, पोस्टियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब जानेंगे कि थर्मोजेनेसिस के अंदर किस प्रकार से हीट बनती है। ओके, बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन फिर से थर्मोजेनेसिस। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हो इट इज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द हीट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रेगुलेशन। बच्चा अभी मैंने बताया था कि केमिकल रेगुलेशन होता है, इसके अंदर फिर हीट प्रोडक्शन होती है, तो इसको मैंने डेफिनेशन के तौर पे आपको बताने की कोशिश की है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है, और इसी को अपन केमिकल रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चा लोग इसके अंदर किस प्रकार से हीट प्रोडक्शन होती है वो जानते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैं ए पॉइंट डालूं तो यहाँ पे लिखूं कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से हीट का प्रोडक्शन किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो उसमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है, 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी एनर्जी होती है, सेम 4 किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 1 ग्राम फैट के अंदर, फैट के अंदर बच्चे लोग कितनी होती है, 9। ठीक है, 9। अगर लास्ट बात करें अपन 1 ml, 1 ml एल्कोहल,
ध्यान से सुनना, 1 ml एल्कोहल के अंदर कितना होता है, 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किलो जूल की बात करूं तो 1 ग्राम फैट के अंदर कितना होगा, 1 ग्राम फैट में कितना होगा, देखिए इसके अंदर लिखें तो 37 किलो जूल, इसको शॉर्ट फॉर्म में केजे बोल सकते। और अगर प्रोटीन से कितना होगा, देखिए इसमें भी सेम 37 किलो जूल, ठीक है। और जो फैट होता है उसके अंदर भी बच्चा लोग सेम एनर्जी मिलेगी 37 किलो जूल, बट इन एल्कोहल ओनली 29 किलो जूल एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फैट से 37 किलो जूल एनर्जी मिलती है, हीट प्रोडक्शन होती है, और प्रोटीन से भी सेम 37, कार्बोहाइड्रेट से भी सेम 37, बट 1 ml एल्कोहल से कितना एनर्जी प्रोडक्शन होगी या कितनी एनर्जी हीट प्रोडक्शन होगी, वो होगी 29 किलो जूल, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बी पॉइंट, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं थर्मोजेनेसिस के अंदर क्या पढ़ेंगे, देखिए आता है इसके अंदर कि एक प्रकार से स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, कि एक प्रकार से डायनेमिक एक्शन होता है फूड के ऊपर, ठीक है। या फिर बच्चा लोग इसको बोल सकते हैं कि थर्मिक इफेक्ट्स ऑफ फूड, ठीक है, या तो बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक डायनेमिक ऑफ एक्शन ऑफ फूड या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें कि स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड क्या होता है, देखिए डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इन प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू यूज एंड स्टोर, ठीक है। मैंने क्या डेफिनेशन बताई यहाँ पे, मैंने डेफिनेशन बताई कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इन प्रोसेसिंग फूड टू यूज एंड स्टोर, कि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है किसको प्रोसेसिंग करने के अंदर, फूड को या तो यूज करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसी को अपन स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड बोल देते हैं, या इसी को अपन बोल सकते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए कितना परसेंट होता है डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड का, वो जान लीजिए। बात करता हूं मैं फर्स्ट, यहां पे मैं लिखूं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर यहां पे अगर मैं लिखूं फैट, या फिर मैं लिखूं यहां पे प्रोटीन, या फिर यहां पे लिखा जाए लिखूं मिक्स डाइट, क्या बच्चों, मिक्स डाइट, ठीक है। अब इनके अंदर देखते हैं कि डायनेमिक जो एक्शन होता है फूड का, जो सबसे ज्यादा किस में होता है और सबसे कम किस में होता है, जान लीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए CHO कार्बोहाइड्रेट में 5-6% होता है, 5-6%, और फैट के अंदर 13%, ठीक है, और प्रोटीन के अंदर 30%, और मिक्स डाइट के अंदर 12। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड किस में होता है सबसे ज्यादा बच्चों, मैक्सिमम प्रोटीन में देखने को मिलता है, और मिनिमम कार्बोहाइड्रेट में, CHO में मिनिमम। और हीट प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है, देखिए जो अपन एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि इंक्रीज मसल्स एक्टिविटी, अगर मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है तो भी हीट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो स्टोरेड ग्लाइकोजन होता है, ध्यान से सुनिए, जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन अपनी बॉडी के अंदर, वो अगर कन्वर्ट होके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उससे भी हीट का प्रोडक्शन होता है, अगर एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम के दौरान की बात कर रहे हैं अपन यहां पे। अगर मैं बोलूं when glucose contact with blood, then what process going on, then produce energy, जो ग्लूकोज है अगर वो ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और फोर्थ अगर मैं बताऊं कि हीट प्रोडक्शन किससे हो सकता है, तो आप यहां पर लिख सकते हो हार्मोन की वजह से भी
क्या होता है? थर्मोजेनेसिस। ओके, फिफ्थ अगर मैं बात करूं कि हीट किससे प्रोड्यूस होती है, देखिए एनवायरमेंटल एंड डिजीज कंडीशन। अगर डिजीज कंडीशन हो या एनवायरमेंटल कंडीशन हो तो बच्चा लोग उसके अंदर भी हीट का प्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, अपने थर्मोजेनेसिस पढ़ लिए बच्चा, लेक्चर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो बच्चा लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। ओके, नेक्स्ट थर्मोलाइसिस। ठीक है, थर्मोलाइसिस क्या होता है? देखिए मैंने फर्स्टली बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, मैंने फर्स्ट में बताया था आपको कि इसके अंदर क्या होता है, हीट का लॉस, और इसी को अपन बच्चा फिजिकल फिजिकल रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन बना लेना, जैसे कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ हीट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल रेगुलेशन। अब बात करते हैं कि जो हीट का लॉस होता है बॉडी में वो किस प्रकार से होता है। देखिए बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनना कि किस तरह से हीट लॉस होता है। फर्स्ट बात करते हैं कि हीट लॉस किसके थ्रू होता है। तो फर्स्ट अगर रेक्टम के थ्रू हीट लॉस होता है तो बॉडी के अंदर रेक्टम के थ्रू हीट लॉस हुआ तो कितना होता है वो बच्चा लोग, होता है कितना, 152 200 ml हीट लॉस होगा। और किसके थ्रू होगा, थ्रू स्टूल के थ्रू 150 से लेके 200 ml एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट बात करूं मैं किडनी, क्या बात कर रहा हूं मैं, किडनी के थ्रू कितना हीट लॉस होता है। तो बच्चा लोग 1500 ml हीट लॉस होता है थ्रू, किसके थ्रू बच्चा लोग, यूरिन के थ्रू होता है। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट मैं बात करूं कि लंग्स के थ्रू भी होता है, तो लंग्स के थ्रू कितना होता है बच्चा लोग, यहाँ पे अगर मैं राइट करूँ 400 से 600 ml हीट का लॉस होता है। ठीक है, गॉट इट, हीट का लॉस होता है। अगर बच्चा लोग मैं एवरेज की बात करूँ कि एवरेज वन लंग्स, एक लंग्स के अंदर कितना होगा एवरेज हीट लॉस, तो बच्चा लोग आप लिखोगे 300 ml। क्लियर। और फोर्थ क्या होता है, स्किन के थ्रू भी कितना होता है, 200 ml, गॉट इट। और किसके थ्रू होता है, स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू। और इसके अंदर मैं ऐड करूं कि इसके अंदर लंग्स भी पार्टिसिपेट करता है, तो लंग्स प्लस स्किन। और देखिए बच्चा लोग, मैंने आपको बताया कि थर्मोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों सिंपल सा हीट लॉस होता है। ठीक है, और आप बोलोगे सर इसी को अपन फिजिकल रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात की थी हीट लॉस, तो अपने बॉडी के अंदर हीट लॉस चार टाइप से होता है। जैसे फर्स्टली रेक्टम, रेक्टम के थ्रू मैंने बताया हीट लॉस होता है तो कितना होता है बच्चों, 150 से 200 ml होता है, 152 200 ml। और किसके थ्रू हीट लॉस होता है बच्चों, स्टूल के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं किडनीज, तो किडनी से कितना होता है, 1500 ml, किसके थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू। क्लियर, गॉट इट पॉइंट। नाउ लंग्स, लंग्स के थ्रू कितना होता है, 400 से 600 ml, 400 to 600 ml हीट लॉस होता है बच्चों। और एवरेज बात करें वन लंग्स में तो 300 ml हीट का लॉस होता है। ठीक है, और स्किन के अंदर कितना होता है, 200 ml होता है। ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू, और इसके अंदर लंग्स भी स्लाइटली पार्टिसिपेट करता है। और अब जानेंगे कि स्किन के अंदर ऐसा कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से हीट का लॉस होता है। तो अपनी एडिंग होगी मेथड्स, मेथड्स ऑफ लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट, हीट बाय स्किन। ठीक है, और बच्चा लोग मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि रेडिएशन, आपने नाम तो सुना ही होगा रेडिएशन। ठीक है, सेकंड मैं लिखूं यहाँ पे इवापोरेशन,
इवा पुरेशम, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थर्ड लिखूँ कन्वेक्शन, और अगर फोर्थ लिखूँ मैं कंडक्शन, इन चार की वजह से क्या होता है, हीट का लॉस होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, क्या कि सर इसके अंदर रेडिएशन के थ्रू कितना होता है, तो बच्चा लोग हीट लॉस होता है 60%। बड़े काम की चीज बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। और अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि किस वजह से होता है, तो लिख सकते हो बाय इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट लॉस। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से हीट लॉस होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा, पहले भी जानते थे 10th 12th अपने आपने पढ़ा होगा कि रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन बच्चा लोग क्या होता है, देखिए जो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है उससे हीट ट्रांसफर होके कोल्ड में जाए, उसी को अपन रेडिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड है। और यहां पे मैं बोलूं कि नियोनेट, यहां पे आप नोट लिख लो कि जो नियोनेट होता है उसके अंदर मैक्सिमम जो हीट लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है, जो हेड होता है बच्चे का उसके थ्रू मैक्सिमम हीट लॉस होती है, ध्यान में रखना। और रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी लॉस होती है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इवापोरेशन, इवापोरेशन के अंदर बच्चा लोग कितने परसेंट हीट लॉस होती है, तो बच्चा लोग 22% होती है। और इसके अंदर किस प्रकार से होती है हीट लॉस, बाई वेपर, वेपर हीट लॉस, वेपराइजेशन की वजह से हीट लॉस होती है, कितना परसेंट, 22%। और जो वेपराइजेशन होता है बच्चा लोग इसके अंदर इवापोरेशन के अंदर, वो कब होगा, रेस्पिरेशन के टाइम में और स्वेटिंग के टाइम में होता है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट मेथड है ये जिससे हीट लॉस होता है, कौन, इवापोरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे कन्वेक्शन मेथड की, किसकी, कन्वेक्शन मेथड की, इसके अंदर कितना परसेंट हीट लॉस होता है, इसके अंदर 15% हीट लॉस होता है और एयर मूवमेंट की वजह से हीट का लॉस होता है, गॉटेड माई पॉइंट। नाउ आई टेल यू द हाईएस्ट एयर मूवमेंट, या फिर बोल सकते हो सबसे ज्यादा हीट लॉस किससे होता है, तो बच्चा लोग जो फैन होता है घर के अंदर, जो फैन होता है उसके द्वारा 12-15% हीट का लॉस होता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है डीएसएसबी में, किसमें, डीएसएसबी में पूछा गया था कि जो कन्वेक्शन मेथड से हीट लॉस होती है वो सबसे ज्यादा किससे होती है, तो उसमें आपको बताना था फैन, 12-15%। अब मैंने बता दिया है तो ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कंडक्शन मेथड की, व्हाट इज ए कंडक्शन मेथड। तो यहां पे कंडक्शन मेथड की बात करें तो हीट लॉस कितना होगा, ओनली 3%, और इसी को बच्चा लोग मिनिमम बोल सकते हैं कि मिनिमम हीट लॉस किससे होता है, कंडक्शन मेथड से होता है। और बच्चा लोग इसके अंदर क्या यूज होता है, एक तरह से डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू हीट लॉस। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से हीट लॉस होता है, जब फीवर हो जाता है तो उस टाइम में जो जो कोल्ड डिस्पेंसरी दी जाती है तो उसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है, जो हीट वाला सरफेस हो, जो बॉडी किसके कांटेक्ट में आती है, डायरेक्ट कोल्ड डिस्पेंसरी करते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, उसकी वजह से हीट का लॉस होता है। अपन ने जाना कि थर्मोजेनेसिस क्या होता है, थर्मोलाइसिस क्या होता है, फर्स्ट होता है क्या, कोर टेम्परेचर, ये क्या होता है, देखिए सेल्स ब्लड एंड टिश्यू टेम्परेचर इज नोन एज कोर टेम्परेचर, ठीक है बच्चा लोग, जो सेल्स ब्लड और टिश्यू के अंदर जो टेम्परेचर पाया जाता है उसी को अपन कोर टेम्परेचर बोल देते हैं। और सेकंड मैं बात करूं
सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है। जो सरफेस पे बॉडी के सरफेस पे जो टेम्परेचर देखने को मिलता है उसको अपन सरफेस बॉडी टेम्परेचर बोल देते हैं। और इसके साथ साथ बच्चा लोग, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अल्ट्रेशन क्रिएट होते हैं, अल्ट्रेशन आते हैं बॉडी टेम्परेचर के अंदर। किसमें? बॉडी टेम्परेचर के अंदर। जिसके जैसे कि क्यों आते हैं और क्या कारण है तो देखिए बच्चा लोग, या तो किसके कारण, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया फीवर को बोलते हैं। और जो बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, उसकी रेंज से अबो तो उसको पायरेक्सिया बोल देते हैं। हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है देखिए, अगर बॉडी टेम्परेचर 41 सेल्सियस या बोले तो 105.8 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर हो जाता है उसको हाइपर पायरेक्सिया बोल देते हैं, जिसके अंदर हाई फीवर, वेरी हाई फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहीं मैं बात करूं हाइपोथर्मिया क्या होता है। थर्मिया क्या होता है? सब नॉर्मल टेम्परेचर को ही हाइपोथर्मिया बोल देते हैं। ठीक है, और जो फीवर है बच्चा लोग, वो अलग से आपको एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन वाइटल्स। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन, वाइटल साइन की सीक्वेंस क्या होती है लेने की, तो फर्स्टली यहाँ पे ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूँ, हर कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन से भी, वैसे भी नॉलेज के लिए याद रखना जरूरी है। अगर मैं बात करूँ अडल्ट रूटीन की, अगर चेकअप करते हैं तो किस प्रकार से वाइटल्स लेते हैं, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ चाइल्ड के अंदर, या ओब्लिक करके लिखूँ न्यू बोर्न के अंदर, या फिर मैं लिखूँ इन्फेंट के अंदर, किस प्रकार से वाइटल्स लेते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। और बच्चा लोग एट बर्थ पर, एट बर्थ पे किस प्रकार से टेम्परेचर लेते हैं या वाइटल्स लेते हैं उसकी बात करेंगे। और लास्ट बच्चा लोग, जब इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है उस टाइम में किस प्रकार के सीक्वेंस फॉलो किए जाते हैं। गोटेड माय पॉइंट और नॉट? देखिए फर्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अडल्ट रूटीन, अगर चेकअप करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वाइटल्स सीक्वेंस फॉलो करेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चा लोग अपन लेते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद क्या लेंगे, पल्स, फिर क्या चेक करेंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर क्या चेक करेंगे, बीपी, ठीक है। इन्फेंट के अंदर क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, सबसे पहले रेस्पिरेशन चेक करेंगे, फिर करेंगे पल्स चेक करेंगे, ठीक है ध्यान से सुनना, फिर करेंगे टेम्परेचर चेक करेंगे, और फिर करेंगे ब्लड प्रेशर बीपी। और एट बर्थ पे किस तरह से वाइटल्स लिए जाते हैं, किसके हेल्प से, तो बच्चा लोग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो अपकार स्कोर होता है उसको फॉलो किया जाता है। कैसे कि पल्स लेते हैं फर्स्ट में, फिर बच्चा लोग टेम्परेचर देखते हैं, फिर रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, और इसके अंदर बीपी नहीं ली जाती। एट बर्थ पे अफगान स्कोर यूज करके वाइटल सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, चेकआउट किया जाता है वाइटल्स को, और इसके अंदर ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया जाता, ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इमरजेंसी के अंदर या ट्रोमा की कंडीशन या एक्सीडेंटल कोई कंडीशन होती है उस दौरान किस तरह से वाइटल सीक्वेंस फॉलो करते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पल्स, फिर रेस्पिरेशन, फिर ब्लड प्रेशर, फिर टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चा लोग मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने बताया जो सीक्वेंस होती है वाइटल्स को चेकआउट करने की, सीक्वेंस जो होती है वो क्या क्या होती है अडल्ट में के अंदर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। ठीक है, फिर न्यूनेट इन्फेंट न्यूबोर्न चाइल्ड की बात करें तो रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर। ठीक है, और एट बर्थ पे बच्चा लोग मैंने बताया
ब्लड प्रेशर जो बीपी होता है वो चेकआउट नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, ठीक है। और अबकार स्कोर का यूज भी लेते हैं जिससे पल्स रेट, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन चेक किया जाता है। और एनी एक्सीडेंटल कंडीशन और ट्रोमा कंडीशन, वी कैन फॉलो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और टेम्परेचर। क्लियर? आज के इस लेक्चर में यही तक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप जानेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि पल्स क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, वो सारा कुछ कंटिन्यू करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो इस वीडियो के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे रखा हूँ या टेलीग्राम की लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए। गाइस, आपके लिए नॉलेजफुल वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और आप लोग ऐसे वीडियोज पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।